हेलो फ्रेंड्स, हम लोग करते हैं निफ्टी की एनालिसिस। आज वीक का है लास्ट ट्रेडिंग सेशन, आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे ट्रेडिंग होनी नहीं है। और ये जो वीक में पूरा लगभग 1000 पॉइंट का जो मोमेंटम दिया है निफ्टी ने, और अभी निफ्टी को फेस करना है 16900 का रेजिस्टेंस। तो 16900 तक के रेजिस्टेंस तक तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग लॉन्ग पोजीशंस अपनी रख सकते हैं। अगर निफ्टी में कोई लॉन्ग पोजीशंस बनी है ऑप्शन के अंदर या फ्यूचर के अंदर, जैसा हम लोगों ने बताया था कि निफ्टी में जो नेक्स्ट एक्सपायरी है उसकी जो सेलिंग की स्ट्रैटजी है वो डिस्कस होगी मंडे को, कि मंडे को हम लोग क्या सेल करने वाले हैं। जो वीडियो आएगा उस पर तो सेलिंग की स्ट्रैटजी मंडे को मिल जाएगी आपको, कि हम लोग क्या प्लान करेंगे ऑप्शन सेलिंग में। और आज का कल के लिए जो लेवल्स हैं, कल अभी निफ्टी का ये जो सपोर्ट जोन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। उसको ब्रेक करने के बाद ही हम कोई इंट्राडे की लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे। गैप डाउन नीचे होता है, ये अगर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है तो हम तभी शॉर्ट करेंगे, और शॉर्ट का जो लेवल होगा हमारा वो होगा ये। हम शॉर्ट पोजीशंस कोई भी बनाएंगे तो 16650 के नीचे बनाएंगे, लॉन्ग पोजीशंस कोई भी बनाएंगे 16714 और 16750 के बाद हम लोग कोई लॉन्ग पोजीशंस बनाएंगे मंडे को इंट्राडे के अंदर। और बाकी वीकली एक्सपायरी के लिए सेलिंग स्ट्रैटजी भी हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी का कल एनालिसिस किया था, आज बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अभी निफ्टी का जो ओवरऑल व्यू है वो बुलिश है। निफ्टी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचे तो अभी निफ्टी को 18000 का जो लेवल है, जिस लेवल से नीचे आना स्टार्ट हुआ था, उसमें आने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये ट्रेंड लाइन बन रही है निफ्टी की। अब इस ट्रेंड लाइन को कब तक ब्रेक करेगा, अभी ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है। ये ट्रेंड लाइन 17400 के आसपास ब्रेक करने लगेगा तो उम्मीद की ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी। अभी निफ्टी में और लेवल्स नीचे के लेवल्स पे, इसके नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी पूरा इस तरह से मूव नहीं करेगा 90 डिग्री पे कि सीधा ऊपर मूव कर जाए, ऐसा नहीं होगा। अभी निफ्टी को यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट मिलने वाली है, और एक छोटे ट्रेंड पे ये मूव कर रहा है। एक ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे खींचे तो इस ट्रेंड को ये इस ट्रेंड से मूव करना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इस ट्रेंड में ये कहाँ तक काम करता है और कहाँ तक बड़े टाइम फ्रेम में ये काम करता है, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आई होप कि ये वीडियो पसंद आएगी होगी, लर्निंग वीडियो। आपने आज भी ट्रेड लिया होगा, अगर सबने प्रॉफिट भी बनाए होंगे तो इसी तरह आप लोग ट्रेडिंग करते रहिए, प्रॉफिट्स बनाते रहिए, है ना। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़े से सब्सक्राइबर्स भी आ जाएंगे चैनल पर कंटेंट डालने में, और भी अच्छा रहेगा, और भी मज़ा आएगा। और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका अभी डीमैट अकाउंट नहीं ओपन हुआ है वो अपना डीमैट अकाउंट भी खोल ले। बहुत बहुत धन्यवाद।